आगे हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ लखनऊ का इंटीग्रल कॉलेज, जो कि ये टेढ़े पुलिया से 7-8 मिनट की दूरी पर पड़ जाएगा। तो चलते हैं, आपको गाइस दिखाते हैं इंटीग्रल कॉलेज का कम्प्लीटली व्यू। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का बाहर का गेट, और चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं और आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। जय हिंद सर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटीग्रल कॉलेज में जितने भी टीचर हैं, डिपार्टमेंट में काम करते हैं इस इंटीग्रल में, यहाँ पर देख सकते हैं इनकी गाड़ियाँ इस साइड में सब खड़ी हुई हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने बस भी खड़ी होती है, और बस बच्चों को रिसीव करने के लिए भी आती है। और गाइज मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो इंटीग्रल कॉलेज है, ये काफ़ी दूरी में है ये इंटीग्रल कॉलेज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी कोर्सेस अवेलेबल है यहाँ पर इंटीग्रल कॉलेज में, सबके अलग अलग यहाँ पर ब्लॉक बनाए गए हैं। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने जो ब्लॉक दिखाई पड़ रहा है, इस वाले ब्लॉक में जब किसी प्रकार के फंक्शन होते हैं, या रिपब्लिक डे हो, या इंडिपेंडेंस डे हो, या अदर किसी प्रकार के भी फंक्शन हो, तो इस ब्लॉक में होता है। और समय देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार के कुछ यहाँ पर फील्ड है। ये तो बहुत छोटी फील्ड है, अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं आगे का। बहुत बड़ा फील्ड है और आगे आपको दिखाते हैं। और ये जो आप दिखाई पड़ रहे हैं ना, कई पार्ट में डिवाइड होते हैं ब्लॉक, तो ये ब्लॉक अलग ब्लॉक है, वो अलग ब्लॉक है, वहाँ पर अलग ब्लॉक होते हैं। तो जो अलग अलग ब्लॉक है ना, अलग अलग कैटेगरी की पढ़ाई के लिए होते हैं। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं आगे का भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने कॉलेज की तरफ से ये कैंटीन है, और यहाँ पर आपको एडवांस में कुछ पैसा भरना पड़ता है, और फिर पर डे आप यहाँ पर फूडिंग कर सकते हैं, यानी खाना खा सकते हैं। और गाइस यहाँ पर आप जो सामने देख रहे हैं, ये जो ब्लॉक है इसमें एडमिशन का प्रोसेस होता है, तो इसका अंदर का व्यू नहीं दिखाएंगे, चलते हैं आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला अलग ब्लॉक है, यहाँ पर भी अलग कैटेगरी की पढ़ाई होती है, यानी जितने भी यहाँ पर कैटेगरी की पढ़ाई होते हैं सबके लिए अलग अलग ब्लॉक बनाया गया है। ये देख सकते हैं सामने से कुछ इस प्रकार का व्यू दिखाई पड़ रहा है। कुछ बच्चे भी देख रहे हैं कि कुछ एडमिशन कराने के लिए प्रेजेंट टाइम में आ भी रहे हैं, और कुछ लोग ऑलरेडी पढ़ाई इसमें कर भी रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों को बैठने के लिए जब यहाँ पर लंच होता है, तो यहाँ पर बैठकर अपना लंच भी करते भाई, और कुछ लोग तो चल जाते हैं कैंटीन में। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ इंटीग्रल के ग्राउंड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा ग्राउंड है। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये ग्राउंड है, इसमें क्या क्या अवेलेबल है, तो क्रिकेट है, फुटबॉल है, एथलेटिक्स है, और वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, और लॉन टेनिस है, यानी ये इतने भी प्रकार के यहाँ पर गेम प्रेजेंट है, लेकिन मेरा तो कोई भी पसंद नहीं है, केवल क्रिकेट पसंद है। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्राउंड के बगल में जितने भी गाड़ियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं, यहाँ पर जितने भी टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, यहाँ उनकी सभी गाड़ियाँ हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है OPD जो कि इंटीग्रल कॉलेज की तरफ से है। तो यहाँ पर हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का डिजीज़ हो, सबके लिए स्पेशल टाइप के यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं। तो जो बच्चे यहाँ पर आप आते हैं मेडिकल लाइन में, उनके लिए काफ़ी बेहतरीन होता है, वो पढ़ाई भी करते हैं साथ साथ में एक्सपीरियंस भी लेते रहते हैं। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपको ब्लॉक दिखाई पड़ रहा है, ये MBBS करने वाले बच्चों के लिए है, जो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। इंटीग्रल में जो MBBS की फ़ीस है, वही 1,25,00,000 है। और चलते आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। ये गाइस इंटीग्रल जो है ना, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप देख सकते हैं कि सामने काफ़ी दूरी पर आपको दिखा कर रेज्यूम के, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उससे काफ़ी दूरी पर भी इंटीग्रल कॉलेज है, और वहाँ पर गेट नंबर शायद 4 है, और ये गेट नंबर आप देख सकते हैं कि सामने गेट है, गेट नंबर 3 है, और ये गेट नंबर 2 है सामने, और मैं गेट नंबर 1 से एंट्री किया था। चलते आपको आगे का भी व्यू दिखाते हैं। और गाइस जो स्टूडेंट यहाँ पर इंटीग्रल में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिम बनाया गया है। एक जिम यहाँ पर है और एक जिम वहाँ पर है, अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग ये बनाया गया है। अगर आप इंटीग्रल में नहीं पढ़ाई करते हैं, अगर आप जिम बाहर ज्वाइन करते हैं, तो आपको 1200 रुपये या 1500 रुपये आपको मंथली देना पड़ेगा। लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पर इंटीग्रल में पढ़ाई करते हैं, उनको मंथली 500 रुपये चार्ज जिम के देने पड़ते हैं। और प्रेजेंट टाइम में तो जिम बंद है, तो आपको आगे अंदर का भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रल मेरा एक दोस्त पढ़ता था, और मैंने उससे पूछा इंटीग्रल के बारे में, भाई कि यहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है। तो उसने कहा कि भाई बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर अदर कंट्री के स्टूडेंट भी आते हैं। तो मैंने यकीन नहीं किया कि क्या भाई यहाँ इंटीग्रल में अदर कंट्री के भी स्टूडेंट पढ़ने आते हैं।
लेकिन जब मैं इंटीरियर का ब्लॉग शूट करने लगा तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अदर कंट्री की भी दिखाई पड़े। और मुझसे कह रहा था मेरा फ्रेंड कि यहाँ पर कम से कम 2500 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अदर कंट्री से यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो अभी भी काफ़ी स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर कौन कोर्स अवेलेबल हैं। तो इंटर के बाद जितने भी कोर्स हैं अब हमारे इंडिया में सभी कोर्स अवेलेबल हैं। जैसे मैं बता दूं कि यहाँ पर लगभग 400 से ज़्यादा कोर्स अवेलेबल हैं। बस मैं इंटीग्रल में घूमते घूमते लगभग 2 घंटे हो गए, अभी भी मैं आपको कम्प्लीटली वीडियो नहीं बना चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि पीछे अभी इंटरल काफ़ी दूरी पर है, उस साइड में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि भाई काफ़ी दूरी पर है, तो वैसे मैं 2 घंटा घूमते घूमते थक चुका हूँ और इसलिए मैं उस साइड में नहीं जाऊँगा। गाइस मैं यहाँ का ब्लॉग इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी आया था एडमिशन कराने के लिए बीएड में। तो यहाँ पर बीएड का जो प्रोसेस है, यहाँ पर आपको 60,000 रुपये एनुअल देना पड़ता है, तो जो कि 2 स्टेप में है। फर्स्ट स्टेप में आप जब एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपको भरना पड़ेगा 40,000 रुपये, और जब आपका लगभग फाइनल जब एग्ज़ाम होने होगा तो उस समय आपको देना पड़ेगा 20,000 रुपये। और MSc के जो कोर्स है उसके 50,000 रुपये हैं जो कि आपको एडमिशन के दौरान आपको देना पड़ेगा 25,000 रुपये, और जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो उस समय आपको देना पड़ेगा 25,000, यानी 2 स्टेप में आपको जमा करना पड़ता है। तो MSc के लिए आपके लिए 25-25,000 जमा करना पड़ता है। अगर आप बीएड में कराते हैं तो पहले स्टेप में 40,000 और सेकेंड स्टेप में 20,000 देना पड़ता है।